सरकार से नाराज दृष्टिबाधित युवा सड़क पर उतरे हैं। रोजगार, शिक्षा और पेंशन सहित अन्य मांगों को लेकर राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ के बैनर तले दृष्टिबाधित युवाओं ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। नारेबाजी कर रहे दिव्यांग युवा मुख्यमंत्री आवास घेरने के लिए निकले हैं। रोजगार, शिक्षा और पेंशन की मांग को लेकर जो दृष्टिबाधित युवा हैं वो राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए हैं। लगातार तेज बारिश के बीच भी ये युवा अपनी मांगों को लेकर अंबेडकर पार्क में डटे हुए हैं और शिवराज सिंह चौहान के बंगले पर मुख्यमंत्री आवास के घेराव करने के लिए यहाँ से जो है रवाना हो रहे हैं और अपनी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। दरअसल प्रदेश भर से सैकड़ों की संख्या में दृष्टिबाधित युवा शुक्रवार को राजधानी भोपाल के अंबेडकर पार्क में इकट्ठा हुए। यहां तेज बारिश के दौरान भी अपनी मांगों के समर्थन में युवा धरना स्थल पर बैठे रहे। दिव्यांग युवाओं और उनके द्वारा पिछले वर्ष की गई मांगों पर ध्यान नहीं देने से नाराज थे। जैसे ही प्रदर्शन कर रहे दिव्यांग पार्क से सीएम हाउस घेरने बाहर निकले, तभी मौके पर मौजूद प्रशासन ने उन्हें रोक लिया। हम लोग यहाँ पे राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ से हैं और अपनी कुछ मांगों को लेकर यहाँ पर आए हैं, जैसे कि जो बेरोजगार है उनके लिए बैकलॉग की पोस्ट अभी भरी नहीं गई है, है ना, पेंशन बढ़ाई नहीं जा रही है और इस तरीके की 26-27 मांगे हमारा जो डेलीगेशन है उनको मिलवाने के लिए ले गए हैं। देखते हैं सीएम से मिलवाते हैं या नहीं। और गर्ल्स के लिए कॉलेज, हॉस्टल, इस तरीके की कुछ मांगों को लेकर के हम यहाँ पे रैली कर रहे हैं। दिव्यांगों ने कहा है कि सरकार दृष्टिबाधित युवाओं के रोजगार के लिए प्रबंध नहीं कर रही है, जबकि कई शासकीय भर्तियों में बैकलॉग के पद खाली पड़े हैं। यहां तक कि उन्हें पढ़ाने के लिए पर्याप्त शिक्षकों की व्यवस्था नहीं है। दृष्टिबाधितों के लिए छात्रावास में भी कई तरह की समस्याएं हैं। सर, एमपी में दृष्टिबाधित दिव्यांगों के लिए महाविद्यालयीन छात्रावास केवल एक ही है जबलपुर में, वो भी 50 सीटर है, जबकि सर महाविद्यालयीन छात्र बहुत हैं और कॉलेज जाने आने में भी समस्या होती है जो कि दूर दूर से होते हैं। और सर अगली समस्या ये है कि पेंशन हम लोगों को केवल मात्र 600 रुपये ही दी जा रही है और जो हमारे सीनियर साथी हैं तमाम डिग्रियाँ उनकी पूरी हो चुकी हैं, स्टडी कम्प्लीट हो चुकी है, लेकिन आज भी बेरोजगार हैं। एमफिल तक कंप्लीट हो चुका है, पीएचडी वगैरह सब कंप्लीट है, लेकिन कंप्यूटर डिप्लोमा सब, लेकिन आज भी दर दर भटकना पड़ता है सर रोजगार के लिए। सर उनका एमफिल कंप्लीट हो गया और सर जो एग्ज़ाम क्वालिफाइड करने के बाद भी सर कई जगह एग्ज़ाम में कैंडिडेट कैंसिल लिख के आ जाता है या तो फिर तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है सर। विभिन्न समस्याएँ हैं जैसे छात्रावास, एजुकेशन का सही तरीके से ना मिल पाना, ब्रेल लिपि और स्पेशल एजुकेटर का उपलब्ध ना हो पाना, जिससे कि हम लोग काफ़ी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं और हम लोग चाहते हैं कि शासन हमारी मांगों को सुने और हमारी समस्याओं का समाधान जल्द से जल्द करे, क्योंकि हम लोग काफ़ी दिनों से इस समस्या का समाधान कर रहे हैं। और बैकलॉग का जो संबंध है, हम 2013 से केस जीत चुके हैं और हमारे समस्याओं का समाधान कोर्ट के आदेश का भी शासन पालन नहीं कर रही है। रोजगार, शिक्षा और पेंशन की राशि में बढ़ोतरी किए जाने की मांग पर विचार नहीं किए जाने से इन दृष्टिबाधित युवाओं में सरकार के खिलाफ गुस्सा साफ देखा जा सकता है। लेकिन अब देखना होगा कि सरकार इन दृष्टिबाधित दिव्यांग युवाओं की मांगों को लेकर कितना गंभीर है। दमोक नायक के लिए भोपाल से अंकित पचौरी की रिपोर्ट।